Okay, what's up people? Welcome back to my channel. I hope you people are doing absolutely fine. So in this vlog, we are in Palolium and this is the part 2. Part 1 जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना ड्रोन पालोलियम बीच से फ्लाई किया था, तो कम से कम 2 किलोमीटर पानी के अंदर तक जाकर मेरे कंट्रोलर और उसके बीच में कनेक्शन खो गया था. दिस इज पार्ट 2, द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्ट 1. तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और फटाक से देख के यहाँ वापस आइए. पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ड्रोन मिलता है कि नहीं मिलता है लेटर इन द वीडियो. सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग प्लेसेस आई एम गोना एक्सप्लोर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड राइट अवे. है ना कि जैसा आप सोचते हो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो, और ट्रिप में या फिर वेकेशन में अगर आप हो तो फिर ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि डेस्टिनेशन आपके लिए कुछ और प्लान करके रखता है. और मंकी आइलैंड वो सब बंद है, समुंदर में अभी बंद है. मंकी आइलैंड नहीं जा सकते? अरे हनीमून में इसको चालू है ना, सब बंद है. बटरफ्लाई बंद, अभी खाली बैक वाटर ट्रिप ही है. वही है ना मंकी आइलैंड? ये मंकी आइलैंड है. कौन सा भैया ये है ना? हां तू चला जाएगा भाई. जाओ आप जाओ, पहुंच गए तो फिर बता देना. अभी आए तो अभी उधर बैक वाटर घूम के आ जाओ, उधर आपको ईगल फीडिंग करके दिखा दे. बैलेंसिंग रॉक या बर्ड को कौन ईगल फीड करेगा? आप लोग? मैं ही करूंगा. वाटर स्पोर्ट का क्या बोला? 3 डजन सब बंद है, 15 से चालू हो गए. कट गई अपनी. अभी आए तो उधर बैक वाटर घूम के आ जाओ, रिवर में भाई. यार रिवर घूम के आ जाओ, खाना खा लेते फिर चलते हैं. ठीक है रॉकी भाई, मिलो आप हमसे. और जरूरी नहीं है कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा नहीं होगा. हमारे साथ एक अच्छी बात ये हो गई कि हमें यहाँ पे हमारे कुछ मित्र मिल गए, हमारे लोकल मित्र यहाँ के. तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट हमें फेस करनी पड़ी थी वो चंद लम्हों में दूर हो गया, और दोस्त साथ में है तो माहौल बहुत अच्छा बन गया. ओके, एट दिस वेरी मोमेंट आई स्क्रूड अप मतलब गंदी तरीके से. मुझे शॉक लगा कि मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मैं एक्चुअली सर्कल मारने की कोशिश कर रहा था, बट देन कंट्रोलर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग. मैं अपने तरफ ड्रोन को बुला रहा हूँ तो ड्रोन और मेरे से दूर जाते जा रहा है. लाइक हम मंकी आइलैंड नहीं जा पाए क्योंकि मंकी आइलैंड बंद था, बोटिंग वगैरह सब बंद था, लेकिन ड्रोन को क्या शौक चढ़ा कि उसको जाना ही था, वो मंकी आइलैंड की ओर बढ़े जा रहा था. मेरी तो क्या बताऊं मैं आपको. फिलहाल वहां से ड्रोन हमें मिलता है कि नहीं वो आपको थोड़ी देर में और पता चल जाएगा. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पालोलियम के बैकवाटर्स की ओर, वहां पे बोटिंग करके थोड़ा ईगल फीड करेंगे, साइट सीइंग करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने मिलेगा. वो खत्म करके फिर आपको डायरेक्टली मैं रिवील करता हूँ कि मुझे वहां से ड्रोन वापस मिला कि नहीं मिला. सो फिलहाल लेट्स गो हिट द बैकवाटर्स. हेलो गाइस, हाउ आर यू? लेट्स एंजॉय द व्यू. पैदल बोट पे लेके जाएंगे, बोट पे साइड में पूरा मैंग्रोव जगह है, पहाड़ियों से लेके जाएंगे. अप एंड डाउन 45 मिनट राइड है. 45 मिनट का राइड है? अप एंड डाउन 45 मिनट राइड है. जैसे ही 2 मीटर दूरी पर आपको कम से कम लगातार 100 से ज्यादा एक साथ बर्ड्स दिखाएंगे. ठीक है ठीक है, मतलब मजा आएगा ना एकदम. चलो कौन सा बोट है अपना? वो आ रहा है, नरेश आ रहा है. बोट पे बैठो, 5 मिनट में फोन करेगा. और दनेश है, और उसका नाम चाकूबा है. यहाँ किसका नाम? वो दनेश.
चाकू भाई बोलते दारू के लिए पापा को चाकू मार दिया था। मजाक कर रहा हूँ, खत्म शॉट आ रहे हो। ये पूरा पेड़ है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये सब, जो बड़े पत्ते वाले है ना, वो उसका जो रूट्स रहते है ना ऊपर की तरफ रहते है, उसका जो रूट्स है ना पानी को पूरा क्लीन कर देते है। हाँ क्या? हाँ। और कभी समुन्दर में भी कभी तूफान आया ना तो उसका रूट्स है ना पानी को अटक के रखते है। किंग फिशर बढ़ जा रहा है देख आगे से। वाओ, लेफ्ट में ये रहा पत्थर के, वो चिपका है ना व्हाइट कलर, इसको ऑस्टर्स बोलते हैं। वो ना खारा पानी से पैदा होते हैं। अगर ये बोट भी एक साल भर ऐसा ये किया ना पानी में होल्ड किया तो इसके नीचे से भी होते हैं ऑस्टर्स, और वो ना बहुत शार्प रहते हैं। अगर आपने उसको टच किया ना तो आपका हाथ पैर स्लिप हुआ तो कट हो जाता है, नाइफ से भी बहुत शार्प रहते हैं। सीधा कैच किया भाई, पूरा ब्राउन है ना, इसको पराया काइट बोलते हैं। पराया काइट, ये जो पक्षी है वो। और जो ये रेड एंड व्हाइट है ना उसको ब्राह्मणिक काइट बोलते हैं। ब्राह्मणिक काइट मतलब वो वेजिटेरियन है तो ब्राह्मण क्यों है फिर? आपको कौन बताया? तो पुराने जो बुड्ढे लोग रहे थे ना। सो द फाइनल रिवील इज हियर। लाइक मैं खुद देख रहा था कि 70,000 से 80,000 रुपये पानी के ऊपर मेरा तैर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डूबने वाला है। इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था ना, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। बट देन मेरा एक फ्रेंड, ही हैड अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही डिड नॉट पैनिक। वो जाके सीधा गया लाइफ गार्ड के पास, जो हम सोच भी नहीं सकते थे उस समय। उस वक्त उस बंदे ने सोचा, लाइफ गार्ड सीधा बोट निकाला एंड दे रश। अब आप अपने आंखें से देखिए कि उन्होंने ड्रोन को रेस्क्यू कैसे किया। आई मीन लाइक आई डिडंट नो हाउ टू थैंक देम आफ्टर दे ब्रॉट द ड्रोन। जस्ट लुक एट इट, हाउ हार्ड दे ट्राइड टू गेट द ड्रोन आउट ऑफ द वाटर। उन्होंने सीधा 1.5-2 किलोमीटर अंदर गए और वहाँ से फिर मैंने ड्रोन कंट्रोल किया और फिर ड्रोन को नीचे लाने की कोशिश की। फिर उन्होंने चलती ड्रोन को हाथ में पकड़ा, दे नेवर कॉट अ ड्रोन ऐसे पहले, एंड दे ब्रॉट इट बैक। पकड़ लिया क्या? हाँ हाँ, मजा आ गया भाई। आ
यहाँ पे हम इतना खुश रहते कि सिर्फ हम नहीं, पूरे रेस्टोरेंट वाले एंड ऑल द पीपल हु वर अराउंड इतना एक्साइटेड थे कि फाइनली द ड्रोन वॉज रेस्क्यूड. सो फाइनली आई गॉट बैक माई ड्रोन. आई वॉज रियली रियली हैप्पी. डर लिया भाई लौंडे ने. आज जुगाड़ी आदमी. ड्रोन रेस्क्यूड. जस्ट सेव्ड इट मैन. ड्रोन रेस्क्यूड. स्टेज इन गोवा. शाम में हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा सनसेट देख के ये सारे दिन का जो कॉम्प्लिकेशन था सब भुला के आराम से चिल करके घर वापस आ गए. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट ऑफ दिस व्लॉग. इन केस यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप. बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करना. फॉर नाउ आई एम गोना एंड द वीडियो राइट हियर राइट नाउ. आई विल सी यू सून विद अनदर व्लॉग. फॉर नाउ नमस्ते. बाय बाय.